नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है 4 बजे का, चलिए रुक करते हैं 4 बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी की सियासत में बीजेपी से 2024 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने सपा कैडर को प्रशिक्षण देने के साथ साथ सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दों को धार देने की रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के तहत सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय से जातिगत जनगणना, लोकतंत्र बचाओ एवं संविधान बचाओ जागरूकता के लिए सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने INDIA गठबंधन में टूट को लेकर लगाए जा रहे कयासों का खंडन करते हुए कहा कि गठबंधन की बात पहले होती रही है, अब भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। मध्य प्रदेश में हमने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा है और हमें उम्मीद है कि परिणाम हमारे पक्ष में ही आएंगे। तो सपा की सामाजिक न्याय यात्रा आज से शुरू हो गई है, जिसे खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय से हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया है। और इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम जो जुबानी वार है वो करती हुई नजर आएगी। इस दौरान इस यात्रा के जरिए लोकतंत्र को बचाने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कही जा रही है। उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोमत उठाया, नहीं उठाया, अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कभी कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। प्रमुख अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित पार्टी कार्यालय से सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए प्रदेश कार्यालय से रवाना किया है। इस यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी का मकसद क्या है, किस तरीके से 2024 की तैयारियों को और समाजवादी पार्टी धार दे रही है? रितेश देखिए मुस्कान, ये जो सामाजिक न्याय यात्रा है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विक्रमादित्य मार्ग से जो पार्टी कार्यालय है वहां से उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और ये 9 दिन का यात्रा होगा, बिजनौर में इसकी समाप्ति होगी। तो ऐसे में 9 दिन तक ये कई शहरों के भ्रमण करेंगे, वहां पर जो इनके कार्यकर्ता है उस यात्रा में सवार होंगे और जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। यानी जो मुद्दा होगा वो मुद्दा जातीय जनगणना का होगा। जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार जो था वो थम गया, अब वहां मतदान होना है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का स्पष्ट ये निर्देश अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो सामाजिक न्याय यात्रा जो चल रही है उसके जरिए वो जनता तक पहुंचेंगे और जनता तक सारी बातों को कहेंगे ताकि जातीय जनगणना को और बल मिल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत का पल होगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पर बार बार ये बात कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो इसको कुल मिलाकर सामाजिक न्याय यात्रा है, इसका ही शुभारंभ। ठीक है, देखिए रितेश, 9 दिन तक वेस्ट यूपी के शहरों से ये यात्रा गुजरेगी, बिजनौर में इसका समापन होगा। अगर हम बीते कुछ महीनों पर नजर डालें तो जो हर एक पार्टी है उसका सबसे ज्यादा फोकस वेस्ट यूपी में रहता है। बीजेपी के भी तमाम बड़े अभियानों की शुरुआत वेस्ट यूपी से हुई है और आज अखिलेश यादव ने सामाजिक यात्रा को लखनऊ से हरी झंडी दिखा के रवाना तो किया है, लेकिन ये भी अगले 9 दिनों तक वेस्ट यूपी में रहेगी। आखिर वेस्ट यूपी पर हर एक पार्टी का इतना फोकस क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी बात चल रही है पीडीए को लेकर के, अखिलेश यादव पूरी तरीके से सजगता बनाए हुए हैं कि पिछड़ी और अल्पसंख्यक और जो ये जातियां हैं इनके चुनाव को, इनके वोट बैंक को बटोरने के लिए, इसको साधने के लिए जो इनका वेस्ट यूपी का जो इनका सपना है ये वही साकार हो सकता है। हालांकि सभी पार्टियां इसीलिए यहाँ पर अपना दमखम दिखाने जुटी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं यहीं से दिल्ली की सरकार तय होती है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को पता है कि वेस्ट यूपी से ही उनकी कुछ सीटें निकल सकती है, इस वजह से वो वेस्ट यूपी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और आज जो 9 दिन का ये कार्यक्रम इनका सामाजिक न्याय यात्रा का कराया जा रहा है, शुरुआत की गई है, ये वेस्ट यूपी के लिए किया गया है क्योंकि किस तरीके से इनके पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ स्तर के बूथ लेवल के जो उनके कार्यकर्ता है वो इन जगहों को चिन्हित करके वहां पहुंचेंगे और लोगों से अपनी बात को कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए रितेश, अगर हम समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर अगर हम गौर करें तो अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी
के जो मुखिया है अखिलेश यादव, कभी वो रथ पर सवार होते हैं, कभी वो साइकिल पर सवार होते हैं। इस बार उन्होंने ये जो यात्रा निकाली है और साथ ही साथ जो पीडीए को धार देने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा, इस यात्रा के जरिए क्या पीडीए को धार देने में कामयाब होगी समाजवादी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तीर से दो निशाने की बात इसमें सामने आ रही है। जैसे कि आपने बताया कि अभी पीडीए की बात, पीडीए को धार देने की बात, उसके बाद जातीय जनगणना, यानी ये इनका जो मकसद है, जो बातें ये मतदाताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान उन मतदाताओं तक और अपने कार्यकर्ताओं तक ये बातों को पहुंचाएंगे कि जातीय जनगणना इस चुनाव से पहले ही 24 से पहले हो जाना संभव है। लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2024 के पहले जातीय जनगणना होना नामुमकिन है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव किस तरह की रणनीति को बना रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो इस जो ये जो यात्रा है, इसका पूरा जो फलसफा निकल करके आ रहा है, उसका साफ तौर पर यही कहना है कि जो संविधान है, जो सामाजिक न्याय है, जो लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए उनके कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के बीच में पहुंचेंगे और इस चीजों को उनको बताएंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए रितेश, जातिगत जनगणना और पीडीए, ये दोनों समाजवादी पार्टी एक साथ लेकर चलती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इस यात्रा की शुरुआत भी वेस्ट यूपी से की गई है, जहां पर जातिगत जनगणना का समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को वो और जोर शोर से उठा पाएगी। अगर इस मुद्दे को अखिलेश यादव और ज्यादा पुरजोर तरीके से जनता के बीच लेके जाते हैं, तो क्या जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए गले का फांस बन सकती है? देखिए, अगर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की माने और मतदाताओं का देखा जाए, तो सरकारें किस तरह से बदली है ये सभी ने देखा है। तो अभी एक इनका इस यात्रा के दौरान अगर जनता का मूड बदलता है, तो जनता इस पर अब मूड नहीं बदलती, क्योंकि जनता और मतदाता, उनको अभी इन चीजों का एहसास हो गया है कि विकास कौन सी सरकार कर रही है और किस तरीके की हो रही है। तो जनता ने चुनाव जिस तरीके से चुनाव हुए, उसमें सरकारें बदली। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तो लगातार उनकी सरकार रिपीट हुई। अब अगर 2024 की बात की जाए, तो जिस तरीके से पटनी पिछले विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिली थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर रही है, लेकिन इस टक्कर में फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव अपना गुणगान गा रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जनता का मूड है वो अचानक बदलता है। तो ऐसे में जब सरकारें लगातार रिपीट हो रही हैं, तो विकास मुख्य मुद्दा होता है। अब अखिलेश यादव के पास, यानी समाजवादी पार्टी के पास, एक मुद्दा है इस समय जातीय जनगणना का। अब वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर वो अपना ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं और इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमीशन और एएसआई सर्वे की मांग की है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई हुई है। इस दौरान हिंदू पक्ष की मुख्य मांग है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराए और शाही ईदगाह को हटाया जाए। वही 13.37 एकड़ भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद भी चलता आ रहा है। हिंदू पक्ष ने इस शाही मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी है। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित कर लिया है। हिंदुवादी संगठनों की हाईकोर्ट में दायर की याचिका में यह मांग की गई है कि कोर्ट कमीशन के साथ साथ एएसआई सर्वे भी हो, और आज 16 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई है, और आज इस मामले पर पूरा जो फैसला है उसको फिलहाल के लिए सुरक्षित भी रखा गया है। तो हमारा मानना है कि वो 13.37 एकड़ जो टोटल जमीन है वो हिंदू पक्षकारों की है, श्रीकृष्ण जन्म ट्रस्ट की, वो हमको मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के हम कोर्ट गए थे और आज न्यायालय में सबकी सुनवाई हुई, और हमने कोर्ट कमीशन के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर जाए, वहाँ की फोटोग्राफी हो, पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी हो, जो भी रिकॉर्ड है वो पटल पर आना चाहिए, न्यायालय के सामने आना चाहिए। उसी को लेकर के आज बहस हुई है, बहस कंप्लीट हो गई है, माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुन लिया है, सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और जो भी ऑर्डर आएगा आपको बता दें। पवन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाह मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में तकरीबन 3 घंटे तक सुनवाई चली है। कहा जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रखा गया है। आज की सुनवाई के दौरान की बड़ी बातें पवन क्या कुछ है?
जी बिल्कुल, देखिये श्री कृष्ण जन्मस्थली के जिस तरीके से ये मामला अभी जो है हाईकोर्ट में आ गया और इस पूरे मामले को लेकर आज 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। हालांकि पूरे सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। हिंदू पक्ष की जो याचिका है उनकी अगर माने तो इस पे जो है तमाम ऐसे दलीलें दी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो भी ये पूरा परिसर है इस पे पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराया जाए, तमाम उसमें ऐसे तथ्य हैं जो सामने आएंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो जिस तरीके से आज ये सुनवाई है वो लगातार आज लोगों की निगाहें इस पे थी कि आज अपना हाईकोर्ट इस पे किस तरीके से फैसला सुनाएगा, लेकिन इस पूरे फैसले को लेकर हाईकोर्ट ने इस पर पूरा फैसला सुरक्षित कर लिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि फैसला जो है वो सुरक्षित हो गया है। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें अपने अपने तथ्यों को पेश किया, जिसके बाद अब ये जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है। अब इस फैसले को सुनाया कब जाएगा? चूंकि देखिए हाई कोर्ट ने आज इस पूरे फैसले को सुरक्षित कर लिया है। हालांकि कुछ दिनों में यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से इस मामले की जब सुनवाई की, चूंकि जो हिंदू याचिका है उन्होंने इस पर तमाम जो याचिकाएं दाखिल की थी कि उस इस पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, तमाम ऐसे वहां पे तथ्य निकलेंगे और तमाम ऐसी दलीलें थी उसको लेकर हाईकोर्ट ने 16 याचिकाओं पर अपनी जो है सुनवाई की है, उस पर फैसला सुरक्षित किया है। लेकिन अब इस पर किस तरीके से आने वाले दिनों में कोर्ट अपना फैसला देगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पूरे फैसले को लेकर लोगों की जो निगाहें थी वो हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, लेकिन आज 16 याचिकाओं की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में ये कयास लगाया जाना कि आने वाले दिनों में हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला देगा और जब इस पर फैसला आएगा तो इस पर कुछ भी कहना मुनासिब होगा। उम्मीद है कि जल्द ही इस फैसले को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए 16 याचिकाएं हैं, मुख्य याचिकाएं कौन सी है जिसका सीधा असर दोनों पक्षों पर पड़ेगा जब फैसला आएगा? तो देखिए जिस तरीके से 16 याचिकाओं पर सुनवाई की गई उसमें अगर ये देखा जाए तो जितनी भी उनमें याचिकाएं हैं वो सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हिंदू पक्ष ने जो तमाम दलीलें यहाँ पर दायर की थी और इसमें जो 16 याचिका है उस पर सुनवाई की गई है। लेकिन अब जिसमें इसमें जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे जो मामले थे अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसका ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है तो निश्चित रूप से इसमें जितनी भी याचिकाएं हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि कोर्ट इस पर किस तरीके से फैसला करेगा, किस तरीके से इस पर सुनवाई होगी आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो पाएगा। जी मुस्कान, देखिए पवन, राजनीति में ना मुद्दा एकदम से तूल पकड़ता है। अभी तो लगातार हम मंचों से सुन रहे हैं, रैलियों में सुन रहे हैं कि राम मंदिर 2024 में जब बनके तैयार होगा तो वो जनता को सौंप दिया जाएगा। कहीं ना कहीं राम मंदिर इस बार भी चुनाव में मुद्दा बनेगा। क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये जो मसला एक दशकों से चला आ रहा है 2024 में ये भी एक मुद्दे के रूप में, चुनावी मुद्दे के रूप में उभर सकता है क्या? देखिए अगर हम पूरे समीकरण को देखें तो कहीं ना कहीं चूंकि आगामी जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सर पर है और ऐसे में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का भव्य स्थापना की जा रही है, तो हालांकि ये तो कहा जा रहा था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है राजनीतिक रंग दिए गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये मामला है वो भी अब तूल पकड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव सामने है तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे है वो कहीं ना कहीं एक असर भी करेंगे। हालांकि लोग जो है वो तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके से कोर्ट की सुनवाई होगी, किस तरीके से फैसला होगा, अब किस तरीके से ये आगामी 2024 के लोकसभा में अपना असर दिखाएगा, ये निश्चित रूप से आने वाला जो वक्त है वो महत्वपूर्ण होगा और महत्वपूर्ण इसमें। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर 16 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। कानपुर में कोरोना के बाद प्रदूषण और ज्यादा घातक हो गया है। अब 150 से 300 लोगों के बीच AQI की वजह से जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी है।
जिन कोरोना रोगियों के फेफड़ों में संक्रमण में फाइब्रोसिस हुआ है उन्हें अस्थमा दमा जैसे अटैक पड़ने के साथ मानसिक स्थिति भी उनकी गड़बड़ होने लगी है। प्रदूषण और धूल के चलते सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और वहीं कानपुर के मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में तो पिछले 3 दिनों में 4 मरीजों की मौत तक हो गई है। इन सभी को अस्थमा और सांस की समस्या थी। अब रोजाना करीब 300 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 200 से 225 के बीच रहता था। 2 दिनों में 20 से ज्यादा मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि बढ़ती ठंड, दीपावली में हुआ एयर पॉल्यूशन और सड़कों पर उड़ती धूल ने सांस के मरीजों की मुश्किलों को सीधे सीधे बढ़ा दिया है। इन लोगों को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। तो कानपुर का प्रदूषण अब लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। प्रदूषण से अब लोगों की सांसें अटक रही है। तो वही अगर हम कानपुर की बात करें, एक बड़ी उद्योग नगरी है यूपी की, जहां इस वक्त पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब लोगों की जाने तक जाने लगी है। और 5 लोगों की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, जिनकी वायु प्रदूषण की वजह से, या यूं कहे कि प्रदूषण की वजह से मौत हो चुकी है। और जबकि गंभीर हालत में 40 ऐसे मरीज हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार अब लोगों को परेशान भी करने लगा है। कानपुर से दुर्गेश लाइव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, देखिए दिल्ली कि आबो हवा तो बिगड़ ही चुकी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बुरा हाल अब कानपुर का हो रहा है, जहां अब लोगों की मौत भी वायु प्रदूषण की वजह से होने लगी है। शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त हो चुका है, और अगर हम कानपुर के AQI की बात करें तो कितना AQI दर्ज किया गया है, और साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से बढ़ते प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी क्या कुछ दी गई है? दुर्गेश, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में, चूंकि दीपावली का त्योहार अभी बीता है, तो कानपुर में जो प्रदूषण का स्तर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 400 के ऊपर पहुंच गया था इस स्तर, जिस कारण से लोगों को यहाँ सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। तो कानपुर के एकमात्र मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज अगर प्रदूषण की AQI की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो AQI स्तर है वो 112 है, जो कि नियंत्रण की स्थिति में बताया जा रहा है। लेकिन देखिए दुर्गेश, लगातार लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही है। अगर हम कानपुर के AQI की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और तकरीबन 40 ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। और क्या कुछ तस्वीरें अस्पतालों के अंदर से देखने को मिल रही है दुर्गेश आपको? बात अगर अस्पतालों की जाए तो बीते दिनों दीपावली का त्योहार रहा, इसमें लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिस कारण जो प्रदूषण का स्तर था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 400 के ऊपर AQI चला गया था। तो लगातार जो अस्पतालों में लोगों को, जिनको भी सांस की तकलीफ थी, दमे की शिकायत थी, वो लगातार अस्पतालों में मरीज पहुंचे, और जिससे कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार जो है, पहले जो कि आंकड़ा 150 से 200 होता था वो बढ़ करके 400 से 500 पहुंच गया था। तो अगर बात की जाए प्रदूषण को लेकर के, तो प्रदूषण से लोगों का इस बीते दिनों जो आतिशबाजी हुई, जो पटाखे फोड़े गए, उसको लेकर के प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को काफी दिक्कतें हुई। दुर्गेश, ये तो जिला प्रशासन को भी पहले से पता था कि आगामी कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार है और लाजमी है कि ऐसे में जो लोग है वो पटाखे फोड़ेंगे, उसके बावजूद भी क्या जिला प्रशासन से चूक रह गई जो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? जिला प्रशासन पहले से भी लोगों से अपील करता रहा है कि पटाखों कम जलाएं और प्रदूषण ना फैलाएं, लेकिन चूंकि त्योहार था इसके मद्देनजर काफी कुछ प्रशासन द्वारा इंतजाम किए गए थे। जो प्रदूषण बढ़ा तो पानी की बौछार द्वारा एक बार उसको नियंत्रण करने की कोशिश जिला प्रशासन द्वारा की गई, लेकिन अब जाकर के जब त्योहार बीत गया है 2-3 दिनों बाद वो प्रदूषण की जो स्थिति है वो नॉर्मल हो सकी है। ठीक है, देखिए दुर्गेश, जिला प्रशासन तो लगातार तैयारी कर रहा था, लोगों से अपील कर रहा था, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, कोहरे की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में अगर पॉल्यूशन लेवल इतना ही रहता है तो लाजमी है कि जो कानपुर की हालत है वो बदतर हो जाएगी। लेकिन दुर्गेश, आप तो ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहते हैं, लोगों की लापरवाही आप किस तरीके से देखते हैं? बढ़ते प्रदूषण में लोग कितने जिम्मेदार हैं? कहीं ना कहीं लोगों की जो जिम्मेदारी है वो भी इस प्रदूषण को लेकर के जिम्मेदार लोग भी हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार अपील करता रहा है कि पटाखे ना फोड़े, उसकी बावजूद भी लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। बात की जाए, चूंकि ठंड आ गई है, ठंड बढ़ रही है, तो अलाव जलाते हैं लोग अक्सर कूड़ा जला देते हैं, अलाव जला देते हैं, तो जिससे भी कंडे जला देते हैं, जिससे कि प्रदूषण का जो स्तर है, जैसे कानपुर के जो आसपास देहाती क्षेत्र हैं, देहात, उनमें
लगातार ये समस्याएं देखने को मिली हैं कि लोग पराली जला देते हैं, अलाव जला देते हैं, जिस कारण जो धुएं का स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे प्रदूषण जो है शहर की ओर, जो कि फैक्ट्रियां भी हैं कानपुर में, औद्योगिक नगरी है, तो इस कारण प्रदूषण जो है जैसे जैसे ठंड बढ़ती है प्रदूषण का स्तर वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद दुर्गेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग और बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर हो रही कार्रवाई के बीच यूपी की सियासत भी तेज हो चुकी है। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और प्रदेश सरकार से मांग की है कि पिछले एक साल से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर चल रही कार्रवाई को रोककर सभी मदरसों को स्थायी मान्यता दे दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 8 वर्षों से मदरसों को मान्यता तक नहीं दी गई है, जिससे करीब 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 90 से 95% पसमानदा समाज के हैं, जिन्हें मान्यता देकर इन बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए। बच्चे पसमानदा समाज के हैं, इन पसमानदा समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। 8 वर्षों से किसी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है, ऐसे में मान्यता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सामाजिक लोग उन मदरसों को अवैध भी कहते हैं, जो उनके ऊपर एक दाग लगता है। इसमें कोई दोष नहीं है, उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है, बच्चे बढ़े हैं, मदरसे बढ़े हैं, 8 वर्षों में अच्छे खासे मदरसे काम कर रहे हैं, तो उन्हें मान्यता देनी चाहिए। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि उस पर। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए, ओवैस सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र में साफ तौर पर अपील की गई है मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, अब उनको मान्यता दी जाए। इस पत्र में और क्या कुछ अपील सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहते बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको जो है मान्यता दी जाए, और वो मदरसे चला रहे हैं वो भी मान्यता के अंतर्गत आ जाए, और जो कार्रवाई चल रही है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर उनको रोका जाए, ताकि जो जितने भी मदरसे में बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जो है क्या मान्यता मिल सके और उनकी जो शिक्षा है वो भी दुरुस्त हो सके। जी, लेकिन देखिए ओवैस, लगातार जो कार्रवाई है वो उन मदरसों पर की जा रही है जो विदेशी फंडिंग से जिनके तार जुड़े हैं, ऐसे में उन आखिर मदरसों की मान्यता की बात जो है वो क्यों की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो बच्चों की जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मदरसों में बच्चे जो है वो उनकी जो है दान द्वारा जो होता है वो चीजें होती है, और अभी इस बात से इसीलिए इन्होंने इस बात की पहल उठाई है कि जो बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको भी मान्यता मिल जाए। मान्यता मिलने का इनका जो है मेन अहम मकसद ये है कि जो बच्चे हैं उनकी सही जो है शिक्षा मिल सके, उनको मदरसे के अलावा और भी जो शिक्षा है वो मिल सके, ताकि इन बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सके और भविष्य जो है वो अंधेरे में ना रहे। तो इसलिए जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनको लेकर इन्हीं ने ये आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री तक ये बात कही है कि जो मदरसे हैं इन मदरसों को भी मान्यता दी जाए, ताकि इसमें कुछ जो अहम बातें और शिक्षा को लेकर वो भी जो गैर मान्यता प्राप्त बच्चे हैं वो भी कर सके। जी देखियो, वैसे एक लंबे समय से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, एकाएक कैसे ये बात जहन में आ गई कि हमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को दोबारा संचालित करने के लिए मांग सीएम से उठानी चाहिए? मतलब एक लंबे समय से वैसे हम ये कार्रवाई देखते आ रहे हैं। नहीं देखिए, दोबारा संचालित करने की बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मदरसे तो पहले से संचालित हो ही रहे हैं। बिल्कुल, अब मसला ये नहीं है कि मसला जो ये है कि संचालित पहले से हो रहे हैं बाद में हो रहे हैं, लेकिन मेन अहम बात यह है कि जो बच्चे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मान्यता मिल जाए, ताकि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कार्रवाइयां तो इस बात पे हो रही, अगर कोई गलत निकलता है तो उस पे तो कार्रवाई लाजिम में बनती है, लेकिन जो बच्चे सही हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके, जो बच्चे
मदरसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य जो है खराब ना हो सके, तो इसलिए जो उन्हीं ने बचे हुए जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनको जो है मान्यता दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैसे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।